Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस साल होने वाले मनी इन द बैंक पे पर व्यू के बारे में. जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है कि मनी इन द बैंक लैडर मैच 10th ऑफ मई होगा, जो कि बिल्कुल ही अलग होने वाला है. जिस तरीके से हमने मनी इन द बैंक मैचेस देखे हैं इससे पहले, ये उससे बिल्कुल ही अलग होने वाला है. ये कॉरपोरेट लैडर मैच होने वाला है. दैट मीन्स ये ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगा. ये कॉरपोरेट ऑफिस जो WWE का है उसके ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगा और फिर ऊपर चढ़ के बिल्डिंग के रूफ पे है WWE की रिंग और रिंग के ऊपर है ब्रीफकेस, जिसे क्लाइंब करके रेसलर को पिक करना है. सो ये एक बहुत ही अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये WWE में तो क्या ये आई डोंट थिंक ये किसी और रेसलिंग प्रमोशन में आज तक ऐसा दिखाया गया है. सो ये बहुत ही यूनिक है. WWE को ये बात पता है कि रिंग के अंदर मैचेस कराना इस वक्त काफ़ी बोरिंग हो सकता है. सो WWE कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए. अब ये जो WWE ने इंटरेस्टिंग किया है, ये कितना इंटरेस्टिंग होगा ये तो मैच ही बताएगा. हालांकि एक बात तय है कि लोग एक्साइटेड हैं इस मैच को देखने के लिए. जिस तरीके से इस मैच को बिल्ड किया जा रहा है, लोग एक्साइटेड हैं उस नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए. बट क्या सिर्फ अलग मैच कराना, कुछ अलग कॉन्सेप्ट देना ही मैच को अच्छा बना सकता है, या कुछ अच्छे और कुछ बड़े सुपरस्टार्स मैच में रखना मैच को इंटरेस्टिंग बनाएंगे? आई थिंक मैच अलग करना इस वक्त की सिचुएशन पे बहुत ज़रूरी है WWE के लिए. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो WWE ने किया है. सभी लोग एक्साइटेड है, इवन मी इस मैच को देखने के लिए. बट जितने भी रेस्टलर्स इस मैच में इन्वॉल्व हैं, आई थिंक उसमें से दो एक नाम ऐसे हैं जो आई डोंट थिंक जो होने चाहिए थे स्पेशली इस साल रेसलमेनिया में. सो कह सकते हैं WWE ने मैच पे तो फोकस किया है बट जो रेसलर्स हैं उन पे नहीं फोकस किया है. ऐसा नहीं है कि रेसलर्स उनके पास बिल्कुल ही नहीं है. जितने भी रेसलर्स हैं उसमें भी ऐसे काफ़ी नाम हैं जो WWE रख सकती थी. आई डोंट नो, कुछ मैचेस तो WWE ने ऐसे कराए हैं क्वालिफाइंग मैचेस जिसे देखने का बिल्कुल मन ही नहीं करा. और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी हमें ड्रू गुलाक वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच मैच देखने को मिलेगा. अब उसमें से कौन जीते कौन हारे किसे फ़र्क पड़ता है? बिकॉज WWE मुझे नहीं लगता कोई भी इंटरेस्टेड है इस मैच को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन क्वालिफाई करने वाला है. सेम यही चीज़ हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिली थी जब अपोलो क्रू और MVP के बीच मैच हुआ था. सेम वहाँ भी यही कहानी थी कि कोई भी जीते कोई भी हारे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. अब बात यह है कि जो रेसलर्स जितने भी इस मैच में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं वो सभी सेट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जो बचती है जो इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकती है और वो जगह हमें पॉसिबली इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को यानी कि कल हमें पता चल जाएगा कि कौन है वो लास्ट मैन जो इस मनी इन द बैंक मैच में पार्ट लेने वाला है. और ये नाम जो है वो बड़ा तो होने वाला है, ये नाम कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि WWE ने अगर इस लास्ट पोजीशन को रोक कर रखा है तो दैट मींस कोई ना कोई बड़ा नाम के लिए रोक के रखा होगा. और पॉसिबली जो रूमर्स आ रही हैं और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो ट्रिपल एच हों. अब ट्रिपल एच क्यों होंगे? ट्रिपल एच का सभी को पता है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ट्रिपल एच की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है WWE. सो हो सकता है वो सिर्फ अपीयरेंस ही ना करें और आकर वो मनी इन द बैंक में पार्ट ले, और अगर वो लेते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ट्रिपल एच इज़ अ बिग ड्रॉ. अगर वो मैच में आते हैं तो इंटरेस्टिंग मैच बनाएगा. बट मैं अभी भी बोलूँगा कि वो आएंगे मैच में वो अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक उनका मनी इन द बैंक जीतना काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी. मुझे लगता है वो मैच में आए वो अच्छी बात है बट जीतने वो नहीं चाहिए मनी इन द बैंक, बिकॉज वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा. कुछ टाइम पहले हमने देखा था रॉयल रंबल मैच में आके वो चैम्पियनशिप जीत जाते हैं, और अब अगर सेम यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है लास्ट मोमेंट पे मनी इन द बैंक में आकर मैच जीतना, आई थिंक वो थोड़ा सा काफ़ी बोरिंग या कहें कि प्रिडिक्टेबल हो जाएगा. सो कुछ और विनर होना चाहिए, कोई नया विनर होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कौन होने वाला है वो लास्ट मैन जो इस मैच में पार्ट लेने वाला है? ट्रिपल एच है तो कमेंट करें आप. अगर ट्रिपल एच के अलावा कोई और आपको लगता है कि कोई और होने वाला है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन होने वाला है वो लास्ट मैन आपके हिसाब से. और ये पॉसिबली है कि ट्रिपल एच ही होंगे वो लास्ट मैन, बट
ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि वो बड़ा नाम तो होने वाला है, अब वो ट्रिपल एच होंगे, वो एज स्टाइल आ जाएंगे, वो केविन ओवेंस होंगे, आई डोंट नो, आई मीन ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो कोई भी होगा, बट एक बड़ा नाम तो होने वाला है, कोई सरप्राइज होने वाला है, और पॉसिबली जिस तरीके से चीज़ें जा रही है, ट्रिपल एच ही हो सकते हैं वो नाम। बट इफ़ ट्रिपल एच नहीं है तो फिर कोई और नाम होने वाला है। हो सकता है ऐसा हो कि ट्रिपल एच आए और किसी रेसलर को वो रिवील करें कि वो इस मैच में पार्ट लेने वाले हैं एज अ लास्ट पार्टिसिपेंट, सो ऐसा भी पॉसिबल है। सो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कि क्या ट्रिपल एच करते हैं आके अपनी 25th एनिवर्सरी में, और कौन होगा वो लास्ट मैन जो पार्ट लेगा इस मनी इन द बैंक लैडर मैच में। क्योंकि इस जिस हिसाब से ये ओपोनेंट जिस मैच में सेटअप है, जिस हिसाब से ये मैच WWE ने तैयार किया, अगर लास्ट मैन जो है वो बड़ा नहीं होता है तो फिर ये मैच उतना खास नहीं होगा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना हो सकता था। बिकॉज हम WWE सिर्फ इसलिए नहीं देखते हैं, हमें मैचेस देखने को मिलते हैं, मैचेस WWE से ज़्यादा अच्छे मैचेस जो हैं वो AEW में होते हैं, TNA में होते हैं, या और प्रोमोशन में WWE से ज़्यादा अच्छे मैचेस होते हैं। बट WWE हम इसलिए देखते हैं बिकॉज जो WWE के पास सुपर स्टार्स हैं, जो WWE के पास नाम है, वो किसी और प्रोमोशंस के पास नहीं है। और जो नाम बनाना WWE को आता है, किसी एक छोटे स्टार को बड़ा सुपर स्टार बनाना जो WWE को आता है, वो किसी और को नहीं आता है। हालांकि ये भी सच है कि बड़े सुपर स्टार को छोटा बनाना भी WWE को अच्छे से आता है। सो आखिरी कौन होगा पार्ट लेने वाला है इसमें पार्टिसिपेंट, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कल। सो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइस, स्टे सेफ एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।